मुंबई से सटे थाने शहर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो गई है। वेबसाइट शुरू करते ही हैक्ड बाय वन हैट साइबर टीम लिखा हुआ दिखाई देता है। जानकारी के मुताबिक जिस हैकर ने वेबसाइट हैक की उसने भारत सरकार के लिए संदेश लिखा है। इस संदेश में हैकर ने मुसलमानों से माफी मांगने को कहा। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में मंदिर मस्जिद का मामला बेहद गरमाया हुआ है। साथ ही पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले ने देश में कई जगह हिंसा भड़का दी है। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम समुदाय के दिग्गज लोग देश में मुसलमानों के असुरक्षित होने की बात कहने लगे हैं। थाने शहर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखे संदेश में इसी पर गौर किया गया है। हैक करने वाले शख्स ने लिखा कि भारत सरकार, तुम बार बार इस्लाम के संदर्भ में अड़चन लाते हो, आपको सहनशीलता नहीं दिखाई देती है। जल्द से जल्द विश्व के मुसलमानों से माफी मांगो, नहीं तो हम शांत नहीं रहेंगे। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद मामले में उत्तर प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज हिंसा की बात करें तो इस पूरे बवाल के पीछे जावेद पंप का नाम सामने आया है, जिसके बाद उसे प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर बुलडोजर कार्रवाई हुई और उसके घर को पूरी तरह मलबे में बदल दिया गया। असुद्दीन ओवैसी इस पर काफी भड़के दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि अदालत को ताला लगा दो, जजों को कह दो कि अदालत ना जा, क्या जरूरत है अदालत की, क्योंकि CM तय करेगा कि मुल्जिम कौन है। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।